तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप लोग डिजिटल गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में, या फिर आप चाहते हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये डिजिटल गोल्ड है क्या, या फिर इसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको इस वीडियो में गोल्ड परचेज करना, गोल्ड सेल करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको नहीं करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, मैंने कितना पैसे लगाए हैं, सब कुछ आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंख बंद करके आ जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 24/7 सर्विसेज में मेरा एक बोर्ड। आप इस बोर्ड पे आके मुझसे बात वगैरह कर सकते हो। लाइक देखोगे तो बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, तो कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मेरे से ले सकते हो, आप इस पे मुझसे बात वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो मेन प्रॉब्लम था उसकी बात, कि अगर आपको मुझसे बात करनी तो आप मुझसे बात वगैरह कैसे कर सकते हो। अब हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड के बारे में। तो सिंपली से आपको क्या करना है, तो डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, बट अगर आपको यहाँ ना मिले तो नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सेव एंड इन्वेस्ट विथ डिजिटल गोल्ड। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 193 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे आ चुका है। मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे और मुझे एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसमें पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको कितने समय के लिए करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको गोल्ड बाय कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट मोर का। सिंपली से आपको क्या करना है, तो इन्वेस्ट मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। इन्वेस्ट मोर पर आप क्लिक करते हो, देन यहाँ से आप देख सकते हो आपको जितने भी रुपीज़ का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखोगे सबसे जो कम प्राइस है आपको 10 रुपये, मतलब समझो आपको 10 रुपये का गोल्ड परचेस करना ही पड़ेगा तभी यहाँ से आप मतलब इसमें परचेस कर सकते हो। तो आपको 10 रुपये का परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट हो, लाइक 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, तो देखो यहाँ पे नीचे के साइड में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ से मैं अगर 500, तो चलो कोई बात नहीं, मैं 100 रुपये में आपको करके दिखाता हूँ। तो 100 रुपये का हम यहाँ पे मान लो कि इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे तो हमें सिर्फ 97 रुपीज़ ही मिलने वाला है, 3 रुपये का हमें यहाँ पे GST देना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, तो देखो कभी भी अगर आप गोल्ड परचेस करो या फिर आप उसको सेल करो, आपको दोनों ही कंडीशन में 3% का GST आपको लग जाता है। अब 3% का GST इसका क्या मतलब है, तो देखो अगर आप 100 रुपये का परचेस करोगे तो आपको 3 रुपये कट के 97 रुपीज़ मिलेगा, और यही आप 24 आवर्स के बाद बेचते हैं तो 97 में से भी 3 रुपये माइनस कर लो तो लगभग 94 रुपीज़ जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलने वाला है। तो ऐसे में होता यह है कि अगर आप बड़ा अमाउंट लाइक 500 या 1000 रुपये लगा के आप इसको लगभग 1 साल से 2 साल के लिए छोड़ देते हो तो यहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है और आप चाहे तो इसको इन्वेस्ट करना कहीं पे सोच रहे हो, तो सबसे बेस्ट होता है आप गोल्ड पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो बड़े बड़े बुजुर्गों भी कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफ़ी उनके लिए प्रॉफिट रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 200 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लिखा हूँ, तो माय ऑर्डर्स पे हम आते हैं, और माय ऑर्डर्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 12 जनवरी को मैंने यहाँ पे 200 रुपये इन्वेस्ट किया था, जिसमें मुझे कुछ मैंने बोला कि 3% कट करने के बाद मुझे 194 रुपीज़ मेरे अकाउंट पर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट था वो आया था। बट 12 जनवरी को, और आज का डेट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या डेट है, तो आज का डेट है हमारा 27 जनवरी, मतलब क्या समझ सकते हो, 15 से 18 दिन हो चुके हैं जिसमें मैंने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। और ऐसे में अगर आपको मैं दिखाऊं तो नीचे के साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेल गोल्ड का। सेल गोल्ड पे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सेलिंग का अमाउंट कितना दिया, 187, जबकि मैंने 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो एक महीने में यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इस हिसाब से मैं अभी भी लॉस में हूँ, 13 रुपये के लमसम 13 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ पे लॉस में चल रहा हूँ। तो इस 200 रुपये को मैं यहाँ पे लंबे समय के लिए रखने वाला हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि फैमपे ऐप में जो डिजिटल गोल्ड है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एक बार देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली सजेशन लेना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, आपको हमारे जो हमारा अबाउट सेक्शन है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप हमसे बात वगैरह कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवाल होंगे उसका पूरी जवाब देने की। तो फ्रेंड्स बताना आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा बड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है वो आपको समझ में आ चुका है। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट
कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, हमें बता सकते हो, कोई सवाल हो तो आप उसके बारे में भी हमसे डिस्कस वगैरह कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।